Hi guys, welcome back to my channel, or welcome if you are new. आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं एग फ्राइड राइस कैसे बनाती हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। मेरी रेसिपी बहुत क्विक एंड इजी है और ये रेसिपी परफेक्ट उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हैं तो प्लीज आप वहां भी मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मेरी स्टोरीज भी देख सकते हैं और आप एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स कंटेंट भी देख सकते हैं। एग फ्राइड राइस पकाने के लिए हमें 3 स्प्रिंग ऑनियंस चाहिए, 4 क्लोव्स गार्लिक के, 3 गाजरें, ग्रीन बीन्स, 4 अंडे, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च और 1 कप उबले हुए चावल। सबसे पहले हम अंडे को फ्राई करना शुरू करते हैं। आप टेंशन नहीं लें अगर आपके अंडे की जर्दी टूट जाती है, तो हमने बाद में अंडे को तोड़ना है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये अंडा अब पकना शुरू हो रहा है। अब हम इसको आराम आराम से तोड़ना शुरू करते हैं। अंडे को हम नमक और काली मिर्च से थोड़ा सा सीजन कर सकते हैं। मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हमने चावलों में भी नमक और काली मिर्च डालनी और सोया सॉस भी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आज मैं 3 या 4 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, तो अगर आप ज़्यादा या कम के लिए बना रहे हैं आप रेसिपी को बदल भी सकते हैं। जब हमने अंडे को तोड़ना है, हमने उसको जेंटली आराम आराम से फोल्ड करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं तोड़ना है। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से तोड़ेंगे तो उनके पीसेस बहुत छोटे हो जाएंगे और चावल में नज़र नहीं आएंगे। ये अंडे अब परफेक्टली पक गए हैं। ये बहुत बड़े भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं, इनके पीसेस जस्ट परफेक्ट हैं। तो अब हम इनको आराम से एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम ये अंडों को साइड पर रख के हमारी सब्जियां पकाना शुरू कर सकते हैं। सब्जियां पकाने के लिए हमने हमारी हंडिया के अंदर बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है। जब हमने अंडे को फ्राई किया था तब भी हमने ऑयल डाला था और हमने चावलों के अंदर भी ऑयल डाला, तो अब हम कम ऑयल यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब इस प्याज का सफेद वाला हिस्सा फ्राई करना शुरू करते हैं। अभी मैं इसके अंदर वो सब इस पार्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रीक होता है तो वो जल्दी पक जाता है, सो हम इसको बाद में डाल देंगे। इसको हमने दरमियानी आंच पर पकाना है। अब हमारे सब्ज प्याज थोड़े से पक गए हैं, तो हम इसके अंदर लहसुन डाल देते हैं। एग फ्राइड राइस के अंदर हम फ्रेश लहसुन डालते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है आप फ्रोजन भी डाल सकते हैं। ये लहसुन अब थोड़ा सा पक गया है, तो हम इसके अंदर हमारी गाजर डाल सकते हैं। आज मैं 3 गाजर यूज कर रही हूँ और जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैंने इनको बहुत छोटे पीस में काटा है। अगर हम इनको ज्यादा बड़े रखेंगे तो इनको पकने में टाइम लगेगा। हमने ऑयल कम डाला है, तो आप बार बार गाजर को हिलाते रहें। अगर आप हिलाएंगे नहीं वो नीचे जुड़ जाएंगे और जल जाएंगे। मैं गाजर को 3 या 4 मिनट के लिए पकने दूंगी क्योंकि मुझे ठीक तरह पकी हुई गाजर पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको कम भी पका सकते हैं। जब आपको लगे कि गाजर ठीक तरह पक गई है, हम इसके अंदर हमारे ग्रीन बीन्स डाल सकते हैं। अब आप इनको तब तक पकाएं जब तक आपको लगता है कि ये ठीक तरह पक जाएंगे। मुझे मेरे ग्रीन बीन्स भी ठीक तरह पके हुए पसंद है, तो मैं इनको 4 से 5 मिनट के लिए पकने दूंगी, लेकिन अगर आपको थोड़े से कच्चे चाहिए आप इनको कम भी पका सकते हैं।
अब मैं इसके अंदर एक चुटकी नमक की डालूंगी और आधी चम्मच काली मिर्च की। नमक हमने कम डालना है इसलिए कि अंडे में और चावल में भी नमक है और सोया सॉस भी नमकीन होता है। अगर आपको एंड में कम लगे आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 3 बड़ी चम्मच सोया सॉस की डालने लगी हूँ। अगर आपको सोया सॉस इतना नहीं पसंद आप कम भी डाल सकते हैं और अगर आपको ज्यादा पसंद है आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च और सोया सॉस डालने के बाद ये बहुत मजे की लग रही है और खुशबू भी बहुत मजे की आ रही है। मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इनको पहले के उबाल कर रखा है। अब हम इनको आराम आराम से सब्जियों में डालते हैं। चावल को हम आराम आराम से हिला लेते हैं, कोशिश करें कि चावल टूटे नहीं। अब मैं इसके ऊपर सब्ज प्याज के सब्ज वाले हिस्से से गार्निश। अब हम इनको भी आराम आराम से हिला लेते हैं। अब मैं फ्राइड अंडे भी शामिल कर रही हूँ। अब हम सारी चीजों को हिला लेते हैं और फिर हमारे चावल तैयार हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं दुआ करती हूँ कि जब आप पकाएं आपके भी बहुत मजे के बने। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप भी पकाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसे के लगे हैं। और प्लीज आप मुझे ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीक क्या देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज आप थम्स अप वाला बटन दबाएं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब वो भी कर लें। प्लीज आप बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरी नई वीडियो की इत्तला मिल जाएगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।